अपनी जिंदगी में कैसे एक नई ऊंचाई आप और हम लोग हासिल कर सकें नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत. हाउ टू फ्लाई हाई इन अवर लाइफ. सो आज मैं आपको देने जा रहा हूं 11 सक्सेस प्रिंसिपल्स टू फ्लाई ओवर द क्लाउड्स. बादलों के ऊपर उड़ने के 11 सिद्धांत. इसको 11 ट्रेट्स बोल सकते हैं, इसको 11 प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, इसको 11 फंडामेंटल्स बोल सकते हैं. वो 11 बातें जो मैंने अपने जिंदगी में पिछले करीब करीब 15 बरस में अप्लाई करी और लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी पूरी 360 डिग्री के ऊपर. आज मैं आपको वो 11 इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसकी वजह से आपका जिंदगी में एक यूटर्न आ सकता है. मैं वो 11 बातें आज आपसे बताना चाहता हूं जो मेरे 15 साल के नेटवर्क मार्केटिंग करियर का निचोड़ है. वो 11 बातें जो मैंने 15 साल में सीखी, जो वो 11 बातें जो मैं पिछले करीब करीब बहुत सारे सालों से अलग अलग कॉरपोरेट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं. आज करीब करीब 50 से ज्यादा कॉरपोरेट्स मेरे साथ पैनल पे हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स के अंदर. आईसीआईसीआई, बीएनआई, बहुत सारे हैं. इट्स अ लॉन्ग रेंज ईजीएस, इट्स अ लॉन्ग रेंज शोभा लिमिटेड, इट्स अ लॉन्ग रेंज. करीब करीब 50 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स हमारे आज पैनल के ऊपर हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव को, एचआर के लोगों को हम ट्रेन करते हैं कि उनकी जिंदगी में बेहतरी कैसे हो. मौका आज हमारे और आपके पास है कि आप और हम अगले 2-3-4 घंटे में जितना भी समय है सीख सके. 11 प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूं और पैरा प्रिंसिपल्स आपके सामने है. ये उड़ने के लिए एक जगह आपको आज ही छोड़नी होगी. अगर आपको उड़ना है, उड़ान भरनी है, तो एक जगह आपको आज छोड़नी पड़ेगी तुरंत. उड़ने के लिए आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बिना छोड़े उड़ा जा सकता है क्या? नो. एक जगह आपको उड़ान भरने के लिए छोड़नी पड़ेगी. वहां रहना वैसे भी खतरों से खाली नहीं है. इस दुनिया में रहने की सबसे खतरनाक जगह जहां पर आप सालों से रह रहे हैं, इस दुनिया में रहने की सबसे खतरनाक जगह जहां आप सालों से रह रहे हैं और इस जगह ने हमारे और आपके दिमाग में जंग लगा दिया है और इस जगह ने हमारे और आपके पैर में बेड़ियां डाल रखी हैं और इस जगह ने हमारे और आपको लिटरल भाषा में बोले निकम्मा भी बना दिया है बहुत सारे लोगों को. इस जगह को छोड़ना ही होगा साथियों अगर आप जिंदगी में एक उड़ान भरना चाहते हैं. इस जगह को आपको तत्काल तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए अगर आप जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ बड़ा उड़ना चाहते हैं. तो यह जगह आपके लिए नहीं है. और यह जगह है क्या? उस जगह में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है. वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप रहते रहते अनजाने में साइलेंटली हैंडीकैप भी हो चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं सालों से, वो जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है अपनी जिंदगी के अंदर. मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ कि मैं बार बार अपने ट्रेनिंग अपने प्रोग्राम्स में बोलता हूं कि 40% ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन. 90% लोग जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सबका 40-50% जिंदगी करीब करीब जा चुका है. इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो चुका है दोस्तों. और 95% लोगों का इंटरवल से पहले का पिक्चर फ्लॉप है. और अगर मैं सुपर फ्लॉप भी बोल दूंगा तो शायद गलत नहीं होगा. मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, प्रोडक्टिव होकर ही समझिए बात को कि मैं बताना क्या चाहता हूं आपको. इस जगह ने बहुत सारे लोगों को अपाहिज बना दिया है. हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग इस जगह में रहकर बिल्कुल जंग वाले इंसान बन गए हैं. और मैं चाहता हूं कि आज आप इस जगह को छोड़ दीजिए. वो जगह जानना चाहते हैं तो बोलिए हां. और वो जगह है ये, और वो एक बेहद खतरनाक जगह है ये. और वो जगह है आपका कंफर्ट जोन. सर, आज मैं बात करने वाला हूं आपके आपके कंफर्ट जोन की. देखो साथियों, समझने का कोशिश करिए कि कहानी आपने खुद ही तैयार करी है. जो खराब कहानी हुई है जिंदगी की बहुत सारे लोगों के साथ, वो कोई और खराब नहीं करके गया. हम खुद ही जिम्मेदार हैं उस कहानी को खराब करने के, और हम ही खुद ही जिम्मेदार हैं इस कहानी में अपने आप को परेशान करने के. और वो है हमारा कंफर्ट जोन. अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद भी ना हमको और आपको याद रखा जाए, तो दो काम करिए. अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको हमको याद रखा जाए, तो दो काम करिए. या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए. या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, या लिखने लायक कुछ कर डालिए. देखिए, जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है ना, इतिहास उसको समय के साथ भुला देता है. जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहते हैं, इतिहास उनको भुला देता है. और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है, इतिहास में अमर हो जाता है.
जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में वो अमर हो जाता है। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा। अपने को उल्टा चलना पड़ेगा, दुनिया से अलग करना पड़ेगा, दुनिया से अलग बात करनी पड़ेगी, और वो बात यहां रहकर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कंफर्ट जोन ये आपको खराब कर रहा है, धीरे धीरे आपने घुन लगा दिया है, ऐसे आप कंफर्टेबल हो गए हैं अपनी जिंदगी के अंदर। और वो कहते हैं गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट, अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। आप होंडा सिटी में खुश हैं तो मर्सिडीज के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, मर्सिडीज में खुश हैं तो रॉल्स रॉयस के बारे में आप सोचने वाले नहीं हैं। आप 3 BHK में बहुत खुश हैं, दुनिया में सारे काम कर डाले हैं, तो आप कभी जिंदगी में डिफेंस कॉलोनी में, GK के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी जगह के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं आज आप इस जगह से निकल जाएं, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। और एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक राजा था और उस राजा को उसके एक बहुत जो प्रिय मित्र था, वो भी दूसरे सल्तनत का राजा था, तो दो राजा आपस में दोस्त थे। तो दूसरे राजा ने पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया, और वो तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा था, सबसे प्यारा तोहफा था। और उसने उसको तोहफे में 2 बाज दिए, और वो बाज बड़ी अच्छे नस्ल के थे। तो राजा को उस तोहफे को मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसने उसको धन्यवाद दिया कि वेरी गुड यार। और बाज अभी छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत शानदार थी। अच्छी नस्ल के बाज देखकर राजा प्रसन्नचित हुआ, और उसने अपने महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, वो बाज उसके हैंडओवर किए कि इसको तू ट्रेन कर, मैं चाहता हूं ये बड़ी अच्छी नस्ल के बाज हैं, तेरे हाथ में आए हैं, तो इनको उड़ना सिखा, कलाबाजियां सिखा, पैंतरे सिखा, युद्ध नीति सिखा, सब कुछ सिखा, और फिर मेरे पास आई। तो उस ट्रेनर ने 2-3 महीने उस बाजों पे काम किया, और बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। और 3 महीने के बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया, बड़ी अजीब बात। उसने राजा को कहा, राजा साहब हालांकि आपने जो बाज दिए थे वो हैं तो बड़ी अच्छी नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझको आ रहा है और मैं चाहता हूं आप उसको समाधान करिए। तो राजा ने बोला प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला एक बाज तो शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजी भी करता है, जैसा सिखाता हूं वैसा सीखता है, एक साला उड़ता ही नहीं है, हालांकि दोनों अच्छी नस्ल के हैं। तो राजा ने बोला प्रयास कर। उसने बोला सर मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, मुझको समझ नहीं आ रहा कि तकलीफ क्या है। तो राजा ने बोला किसी और को हायर करो, अपने शहर में, अपने एरिया में, अपनी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो पक्षी प्रेमी हो, ऐसा आदमी ढूंढो जो नेचर लविंग हो, जो बाज से बात कर सके, उससे पूछे समस्या क्या है, दूसरा भी तो तेरी भांति धनाधन उड़ रहा है, तेरे को क्या तकलीफ है। तो उसने बोला राजा जी प्रयास करता हूं। वो ट्रेनर देश में घूमा और एक व्यक्ति को पकड़ के लाया और उसको जिम्मा दिया कि तू ट्रेन कर। और ठीक इस घटना के 3 से 4 दिन के बाद जब उसको वो व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति को उसने वो बाज हैंडओवर किया कि इसको समझ नहीं आ रहा आपने को तकलीफ क्या है। उसने बोला इसको तो मैं उड़ा दूंगा। सिंपल सा ग्रामीण सा आदमी, किसान सा आदमी। अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आया तो दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे थे। राजा ने बोला कि ये कैसे चमत्कार किया? तो बोला ये तो साधारण सा गांव वाला है, इसने कर दिया ये काम। तो उसने गांव वाले से, राजा ने पूछा तूने क्या किया? उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पर बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया, अपने आप उड़ने लगा। आई सिंपली जस्ट कट द ब्रांच। तो कौन सी शाखा पे आप बैठे हो यार? तो मैं चाहता हूं उस शाखा को काटा जाए।